بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد سورة البقرة آية نمبر 21 ستر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار" أو جوكتش بيتم خرسكرتيهو أو نذرتم يا جو بيتم نذر معني من, نذرين؟ من, نذرين؟ من نذر من بنذر वम फ़क्तुम और जो कुछ भी तुमने ख़र्च कियाफ़ता कोई भी ख़र्च कोई भी नफा का अब नज़र तुम मिन नजर या तुमने नज़र मानी कोई भी नज़र फ़ैन लालम सो बिला शुबा अल्लाह तक जानते हैं वाममिनसार और िमों का कोई मददगार नहीं है इससे पहले अल्लाह तबारक ताली ने यह बात इशात फरमाई कि तुम लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करो तो बेहतरीन और तयब माल में से ख़र्च करो जैसे कि दो सौ सड़सठ आयत में है टू सिक्सटी सेवन में अनफ़िको मन तयबातमां का सब तुम तो पाकिज़ा चीज़ों में से ख़र्च करने की जब तरगीब दिलाई और ये कहा कि तुम आ, रदी चीज़ का खबीस चीज़ का कस्त ना करो अल्लाह की रहा में ख़र्च करते हुए बल्कि उम्दा से उम्दा तरीन चीज़ को खर्च करो और फिर खर्च करने पर इस तरह से भी उबारा के फरमाया के, शैतान तुम्हें डराएगा फ़्र फ़ाक़ा से और तुम्हें बुखल का हकम देगा और रोकेगा तुम्हें कि तुम खर्च करो खर्च करने से रोकेगा जबकि अल्लाह त ख़र्च करने की वजह से मगफ़रत और अपने फ़ल का वादा करते हैं तो इस आयत में फिर अल्लाह सुबह ये कहते हैं कि अब बता दिया गया तुम्हें कि कैसे खर्च करना है और जो चीज़ ख़र्च करो वो कैसी होनी चाहिए और ये भी बता दिया गया कि ख़र्च करने के फ़वाद क्या हैं अल्लाह खर्च करने की बुनियाद पर आपसे क्या वादा करता है तो इस आयत में ये कहा गया कि अब जब ये सारी चीज़ें तुम्हें पता चल चुकी तो अब जो कुछ भी तुम खर्च करो या कोई भी नज़र तुम मानो तो अल्लाह ताला उसको ख़ूब जानते हैं अल्लाह ताला, ताला उसको ख़ूब जानते हैं क्या मतलब इसका कि अल्लाह जानते हैं कि तुमने जो खर्च किया वो किस नियत से खर्च किया इखलास कितना था अल्लाह की मोहब्बत कितनी थी जो चीज़ खर्च की तो वो किस कदर बेहतरीन आमदा और तयब थी तो ये सब अल्लाह ताला जानते हैं तो अगर तुम खालिश नीयत के साथ तैयब चीज़ ख़र्च करोगे तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से न सिर्फ ये कि फ़ल्ल पाओगे बल्कि अल्लाह की तरफ से मफ़रत भी मिलेगी और अल्लाह की रहमत रिजा ये सब चीज़ें नसीब होंगी माल में जो बरकत होगी वो अलग है इसी तरह से अगर तुम लोग खालस नीयत से ख़र्च नहीं करोगे या खालस नीयत से ख़र्च तो करो लेकिन चीज़ अच्छी खालिस और तैयब नहीं होगी तो तब भी अल्लाह जानते हैं और अगर ऐसा किया अल्लाह के लिए अखलास ना हुआ लोगों को दिखाने के लिए हुआ अच्छी चीज़ ख़र्च ना की जानते बूझते हुए रद्दी चीज़ दी अल्लाह के राह में तो फिर यह म है ये म है जुल्म का माना है कि किसी चीज़ को उस जगह पर रखना जो उसका मुकाम ना हो ऐसा कुछ करना जो कुछ करना इंसान के लिए रवा ना हो किसी के साथ वो सलूक करना या काम करने का वो तरीका जो काम करने का तरीका सिखाया ना गया हो असल तरीक़ा ना हो उसको जुल्म कहते हैं अरबी में इसकी तारीफ़ है वह दोशी फ़ीर महल्ली चीज़ को उसकी जगह के अलावा कहीं और रखना जो जिस चीज़ का मुकाम है उसके अलावा उसको दूसरा मुक़ाम देना ये जुल्म है तो अल्लाह ने फरमाया मिल वालिमी नमिन अनसार ालिमों का कोई मददगार नहीं है यानी अगर तुमने ख़र्च करते हुए जुल्म किया, जुल्म दो तरह से होगा एक तो इस तरह से कि तुमने खलास मद ना रखा और दूसरा इस तरह से कि तरीक़ा नबी सल वम का मदनज़र ना हुआ और उसमें तरीका मद् नज़र ना रखने में एक ये होगा कि अच्छी चीज़ तोय वो ख़र्च ना की जाए फिर ये कि खर्च करने के बाद तकलीफ़ दी जाए एहसान जतलाया जाए जैसे कि पीछे हमने पढ़ा तो अगर इस तरह से किसी ने खर्च किया तो ये जुल्म है और ालमों का को कोई मददगार नहीं होगा उस दिन के जब सख्त उनको मदद की ज़रूरत होगी यानी क़्यामत के दिन और दुनिया में भी लल्ला तला उनकी मदद नहीं करते इसमें एक ज़िक्र हुआ आ, जो कुछ भी तुम खर्च करो नाफ़ा मीन नाफ़ा तिन इससे मुराद ज़कवा़त भी, भी है, है। यानी फ़र्जी सदक़ा और नफली सदक़ा भी ज़कवा़ पर भी सदक़ा का लफ्ज़ बोला जाता है लेकिन जब ज़कवा़ पर सदक़ा का लफ्ज़ बोला जाता है तो फिर उसको फ़र्जी सदका कहा जाता है और बाकी नफली सदका वरनामूम फ़र्जी सदक़ा पर ज़कवा़त का लफ्ज़ बोला जाता है और जो नफली सदक़ात होते हैं उन पर सदका का लफ्ज़ बोला जाता है नज़र किसको कहते हैं नज़र ऐसी चीज़ है जिसको इंसान ख़ुद अपने आप पर फ़र्ज़ कर लेता है जब इंसान ख़ुद फ़र्ज़ करता है तो अल्लाह भी फ़र्ज़ कर देते हैं इसको कहते हैं नज़र तो इसका मतलब ये होता है कि बंदा ये कहे अपने आप पर लाजिम कर ले कि मैं ये करूँगा अगर को, कोई भी चीज़ उसको मशरूत कर ले कि अगर ये हो गया इस तरह से हुआ ये नेमत मुझे मिली तो मैं आ, ये आमल करूँगा मैं इतने नवाफिल पढ़ूँगा मैं इतना ख़र्च करूँगा मैं फ़लाँ जगह पर जाऊँगा और फ़लां शख्स की मदद करूँगा मैं हैजमर करूँगा वग़ैरह इसको कहते हैं नज़र मानना तो ये नजर मानना इस्लाम में पसंदीदा नहीं है लेकिन जायज़ है और नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ वो माननी चाहिए जो अस उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी में हो कोई ऐसी नज़र जिसमें गुनाह पाया जाता हो जिसमें कोई हराम चीज़ का इरतक किया जा रहा हो तो वो नज़र उसको पूरा करना हराम है तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए उसके बदले में गफारा देना चाहिए जो कसम का गफारा है तो नज़र में भी इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि खैर का काम किया जाए अगर अगरचे पसंदीदा नहीं है लेकिन जायज़ है तो जब जायज़ है तो इसमें भी खैर को तरजीह दी जाए शर की बुनियाद ना हो नज़र में फिर अल्लाह ने ते कहा इसी के साथ मिलती जुलती और इसी मजमून की आयत है इन तदाक़ाती फ़नी इम्मा ही यानी पिछली पिर, आयत में दो सौ सत्तर आयत में ये कहा कि तुम जो कुछ भी ख़र्च करते हो या नज़र मानते हो तो अल्लाह तबारक तआला उसको ख़ूब जानते हैं कि तुम अखलास के साथ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे फिर ये बताया जा रहा है कि अब सदक़ा कैसे किया जाए ऐलानियाँ किया जाए या खुफिया किया जाए तो देखिए ये सदक़ात के बारे में ख़र्च करने के बारे में कितनी तफासिर बयान हो रही हैं ख़र्च करने की सदक़ा करने की फ़जीलत से शुरू हुआ था आयत नंबर दो सौ साठ से अल्लाह त मिसाल दी थी कि अल्लाह की राह में खर्च करने वालों की मिसाल कैसे वो एक दाने की है उससे फिर एक आ, बाली निकलती सिट्टा निकलता है और उसमें दाने होते हैं और फिर उससे सौ दाने बनते हैं ये और फिर ये कि अल्लाह के नाम अल्ला खर्च करते हुए तकलीफ़ ना दी जाए एहसान ना जलाया जाए फिर मिसालें दी गई फिर ये कि माल कैसा ख़र्च करो नीयत कैसी होनी चाहिए ये सब चीज़ें बयान करने के बाद अब ये बयान किया जा रहा है कि सदका कैसे किया जाए बेहतर और अफजल सूरत सदका करने में कौन सी है छुपा कर सदक़ा किया जाए या जाहरी तौर पर ऐलान अलान सदका किया जाए तो उसके मुतालिक ये आयत है इन सदकाती अगर तुम ज़ाहिर करो सदकात को फ़िन इम ही तो ये बेहतरीन है तो ये बहुत अच्छा है वह इन तखूआ और अगर तुम उनको छुपाओ यानी सदकात को छुपाओ मुराद छुपा कर सदका करो वह तोहल्फ़ुकार और तुम उनको को फ़ारा को सौंप दो यानी उन सदाक़त को फ़ुकारा को दे दो लकुम तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है व युकफ़ अनकुम कम सै आयत कुम और अल्लाह तुमसे तुम्हारी ग़लतियों को और गुनाहों को मिटा देंगे वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर और तबरक जो तुम करते हो खूब जानने वाले हैं उसको यहाँ इस आयद में देखिए इन तद सदाती ही पहले ये कहा गया कि तुम्हारा तुम जो सदका करते हो और जाहिर कर करके करते हो ऐलानिया करते हो तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और अगर तुम उसको छुपाओ सदका छुपा कर दो और फकीरों को दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतरीन है इससे एल ने ये कहा कि फकरा को जब सदका दिया जाए तो उसको छुपा कर देना चाहिए ताकि उनकी इज़्ज़त नफ्स ना हो ज़कात भी अगर दी जाए तो अब भी कोई ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है छुपा कर दी जाए फकरा को छुपा कर दी जाए तो ये ज़्यादा बेहतर अफजल है और अगर उसके अलावा ख़र्च करना हो किसी और जगह किसी और मद पर कोई कुंव खुदवाना हो कोई मस्जिद बनवानी हो कोई ऐसी चीज़ तो उसको अले ऐलान कर दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है ताकि दूसरे लोगों को भी तरगीब हो तो इस सिलसिले में कायदा ये है कि जहाँ सदक़ा जाहिर करने का फ़ायदा ज़्यादा नज़र आ रहा हो इस एतबार से कि लोगों को तरगीब हो और इस एतबार से कि वहाँ पर लोगों को मालूम हो कि कोई खैर का काम चल रहा है और लोग उस खैर में हिस्सा लें खर्च करने के एतबार से ही नहीं बल्कि वैसे भी उस खैर को करने केबार से तो फिर दाकतारत को अलान करना ज़्यादा अफजल है और जहाँ ऐसी सूरत हाल ना हो तो वहाँ पर सदाकत को छुपा कर करना ये ज़्यादा अफज़ल है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों तरह के अमाल मिलते हैं आपके सहाबा से भी दोनों तरह के आमाल मिलते हैं कभी तो इन लोगों ने नेलान खर्च किया जैसे कि ग़बा तबू के मौके पर जब आप वम ने अपने सहाबा से फ़ंड का तकाज़ा किया माल का तकाज़ा किया तो सब ने सब के सामने लाकर अपने घरों से चीज़ें ला कर देर करना शुरू कर दी अब ऱिया उन्होंने उमर फ़ारोक़ कर दीअल्ल् इस तरह दीगर ने और फिर स्मान रदी अल्लाह ने एक ही मौके पर वो जो कई सौ घोड़े दिए और ऊँट दिए और सोना चांदी दिया सबके सामने था गुँमा उन्होंने ख़रीद कर दिया वक्फ़ कर दिया वो सब के सामने था तो इस तरह से जहाँ ऐलान ख़र्च करने का फ़ायदा नज़र आ रहा हो वहाँ ऐलान करना चाहिए इस तरह से भी कि अगर मैं ख़र्च करूँगा तो लोगों को तरकीब होगी वो भी ख़र्च करेंगे और बता देना कि मैं इतना ख़र्च कर रहा हूँ तो कोई हरज की बात नहीं लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि अखलास रिहाकारी ना हो रिहाारी जैसी आई ख़त्म हो जाएगा हाँ फिर उसके बाद जहाँ पे ये फ़ायदा नज़र आ रहा हो कि छुपा कर करने का फ़ायदा ज़्यादा है या ऐलानिया करने का कोई फ़ायदा नज़र ना आ रहा हो तो फिर असल ये है कि सदक़ा को छुपा कर ही करना चाहिए जहाँ एलान सदका करने का कोई फ़ायदा नज़र ना आ रहा हो तो वहाँ पे असल क्या है कि सदक़ा को छुपा कर किया जाए नबी वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताल सात लोगों को अपना साया नसीब करेंगे क़यामत के दिन तो उनमें से एक शख्स वो है आप सल्लाजुल वो शख्स के जिसने अल्लाह की राह में खर्च किया तदक़ा बदका उसने कोई सदक़ा किया फ अखाहा और फिर उस सदक़ा को छुपायानि छुपा कर किया है तला मा शिमालहू मा फिको या यहाँ तक कि उसके बाएं हाथ को भी नहीं कि दाएँ ने क्या ख़र्च किया यानी इतना छुपा कर वो सदक़ा करता है इतना ज़्यादा वो लोगों से उसको छुपाता है तो आमाल में कुछ आमाल ऐसे होने चाहिए जो छुपे हुए हों नबी सदन फरमाया मनस्त आमिन को मैं कल खिना मना ही फल या फल तो में से कोई शख्स अगर ये ताकत रखता है कि वो कोई अमल छुपा कर, कर ले तो वो ये ज़रूर करें वो नमाज़ रोज़ा हो वो सदक़ात वगैरह कुछ भी हो इसी तरह से वो जो मशहूर हदीस है तिर्मिज़ी में जब यह आय नाजिल आल इमरान की आयत नंबर बानवे लन तनाल तफ़िको मम्म कि तुम नेकी को नहीं पा सकते जब तक कि तुम वो ख़र्च न करो जो जिससे तुम खुद पसंद करते हो तो अब तल अल्लाह ने आकर नबी अलैहि वसल्लम के सामने अपना बाग़ पेश किया कि अल्लाह के रसूल में ये बाग अल्लाह की राह में सदा करना चाहता हूँ और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह के रसूल मैं चाहता हूँ कि अगर ये मुमकिन हो कि मैं इसको छुपा कर करूँ यानी किसी को पता ना चले तो आप सरासर ने फिर उनसे कहा कि अपने अजीज़ व के लिए ये वक्फ़ कर दो उनके लिए ये खास कर दो तो इस तरह से सदाकत अगर किए जाएँ जहाँ पे ज़रूरत हो छुपाने की छुपाया जाए जहाँ ऐलान करने की ज़रूरत हो ऐलान किया जाए फ़करा वग़ैरह हो तो उनको छुपा कर दिया जाए ज़्यादा बेहतर है तो खैर इन तमाम चीज़ों में अल ऐलान किया जाए या खुफिया किया जाए शर्त यह है कि उसमें अखलास हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो उमदा चीज़ ख़र्च की गई हो तो फिर ऐसे सदक़ात से जहाँ अल्लाह की बरकतें और फ़ज़ल मिलता है वहाँ पर जो कफ़ मिन मिनसे यदि कुम ग भी अल्लाह तबारक ताल मिटा देते हैं और अल्लाह बबारक ताल खूब जानने वाले हैं जो तुम अमल करते हो इसका क्या मतलब कि तुम्हें सदक़ात के अहकाम बता दिए गए मैं सदका करते हुए तुम्हारी नीयत क्या होनी चाहिए इखलास कैसा होना चाहिए कैसी चीज़ ख़र्च करो और छुपा कर करो या अल ऐलान करो ये सारा कुछ बता दिया गया अब तुम जैसे खर्च करोगे जो ख़र्च करोगे या कोई भी अमल करोगे तो याद रखो अल्लाह ख़ूब खबर रखने वाले हैं कि अमल तुम कैसे कर रहे हो सदका कर रहे हो तुम्हारे दिल की नीयत क्या है अल्लाह ख़ूब खबर रखने वाले हैं तुम अरिया से काम ले रहे हो या इखलास है अल्लाह खूब खबर रखने वाले हैं तुम अच्छी चीज़ ख़र्च कर रहे हो या रदी चीज़ ख़र्च कर रहे हो अल्लाह ख़ूब खबर रखने वाले हैं तुम किसी को सदका देते हुए एहसान जतलाते तकलीफ़ देते हो या नहीं देते अल्लाह खूब खबर रखने वाले हैं अल्लाह हमें अपने पसंदीदा आमार की तोफ़िक नसीब करें और अल्लाह हम से राज़ी हो जाए आमीन या सुभानक अशहदु अल्ला इलाहा याबल आमीफानिका महम्लिकदूा व भी इलैक